नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, पत्नी चरित्रहीन हो तो क्या करे, वर्टिकल बार चरित्रहीन पत्नी को कैसे पहचाने। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हर किसी के जीवन में मुसीबत है, कहीं खुशी तो कहीं दुखी का माहौल छाया हुआ है, कहीं और अच्छा देखने को मिल रहा तो कहीं बुरा। आखिर यह किसकी उपज है, आखिर इस दुखों का कारण कौन है, क्या कोई और है जो आपकी खुशियों में बाधा डाल रहा। आइए जानते हैं। पत्नी चरित्रहीन हो तो विवाह के बाद पाणिग्रहण संस्कार बाद हम स्त्री को केवल भोग विलास की वस्तु समझकर समय समय पर अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। हम भूल जाते हैं कि यही वो स्त्री है जिससे हमारे उन्नत वंश को उन्नति मिलने वाली है, यही वो स्त्री है जो आगे चलकर नया जीवन प्रदान करने वाली है। हम ऐसा न सोच कर कहीं गलत तो नहीं कर रहे जी। हम सभी की सोच यही रहती है कि अच्छी पत्नी मिले या अच्छा पति मिले, लेकिन क्या हमको ऐसा मिलता है या हम इसकी पहचान कर पाते हैं, क्योंकि आप कहाँ गलत है आपको अच्छे से पता होता है। बजाय दूसरों के हम गलत होते हैं, लेकिन दुनिया की नज़र में अपनी नज़र में हम सही होते हैं। ऐसा विचार करने वाले अगर सही है तो उनके जीवन में दुख नहीं, और जो ऐसा विचार नहीं करते उनके जीवन में कहीं सुख नहीं है। पत्नी चरित्रहीन हो तो क्या करे। पत्नी आपकी चरित्रहीन है तो आपको केवल यह देखना है कि आगे क्या कदम उठाए, क्योंकि किसी भी स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। शास्त्र में लिखी बात सत्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं, लेकिन क्या उपाय करे अगर समस्या कुछ इस प्रकार हो तो। आपको इन बिंदु का ध्यान रखना चाहिए, पुरुष सावधान रहना चाहिए। पत्नी को कैसे अधिक से अधिक सुख दे। क्या पत्नी को पहले ही कोई और पसंद है। मुझसे कहां गलती हो रही, कैसे सुधार करूं। सुखी जीवन जीने के लिए क्या करे। पत्नी के चरित्रहीन होने पर क्या करे। अगर आपके विवाह से पहले आपकी पत्नी का रिश्ता है किसी के साथ तो यह गलती उसकी है और इसमें सुधार उसको करना चाहिए। वो कैसे, ये तीन तरीके उस पत्नी को अपनाना चाहिए। स्त्री को सावधान रहना चाहिए, किसी भी पर पुरुष को न देखे, किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ न रहे, अपनी गोपनीय बात पति के सिवा किसी को न कहे। अगर पत्नी शादी के बाद गलत संबंध बना रही जिसकी वजह से उसके चरित्र में दाग लग रहा तो पति को चाहिए कि प्रेम और शांति के साथ उस स्त्री को समझना चाहिए, क्योंकि प्रेम की भाषा पशु भी समझते हैं। आपके अगर इस प्रयास के बाद भी अगर आपकी पत्नी नहीं मानती तो घबराए नहीं, यह तीन उपाय करे। जिस व्यक्ति से मिले उससे बात करे, पत्नी की इच्छा के बिना उसको स्पर्श न करे, पत्नी को उसकी इच्छा के अनुसार समझाए। अगर इन सब के बावजूद आपके पति या पत्नी नहीं मानते तो आप भारतीय विधान के अनुसार तलाक ले, क्योंकि आपने विवाह करके धर्म से चलने के वचन दिए थे न कि अधर्म से चलने के। ध्यान रखे, ऐसी स्थिति में अपनी पत्नी या पति को किसी भी तरह की मानसिक शारीरिक नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह एक अपराध है। जीवन जीने का अधिकार हर किसी को है, जीवन छीनने का अधिकार किसी को नहीं। आप समझा सकते हैं, आप पूरी ईमानदारी से कोशिश कर सकते हैं, लेकिन परिणाम न मिलने पर आप गलत मार्ग नहीं चयन कर सकते हैं, फिर आपको कठिन फैसले लेने पड़ सकते हैं, जैसे तलाक आदि। पत्नी चरित्रहीन हो तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।